दोस्तों, मेरा नाम आदित्य वेलन है। मैं पांचवी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कहानी गौतम बुद्ध और उनके शिष्य के ऊपर। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे। उस समय उनका शिष्य झाड़ के पीछे छुप कर गौतम बुद्ध को देख रहा था। और जब गौतम बुद्ध चलते स्नान की ओर बढ़ रहे थे, तभी भी उनका शिष्य उनको देख रहा था। गौतम बुद्ध जब पर्वत की ओर जाकर योग कर रहे थे, तभी भी उनका शिष्य उनको देख रहा था। अगले ही दिन जब गौतम बुद्ध आए, तभी उनका शिष्य भी आए और उनके शिष्य ने उनके ही जैसा किसी व्यक्ति से बात की। उनके ही जैसा स्नान की ओर चलते चलते जैसा स्नान किया और उनके ही जैसे पर्वत पर जाकर योग किया। शिष्य को अच्छी नहीं लगी। गुरुदेव उस पर थोड़ा भी क्रोधित नहीं हुए। फिर अगले ही दिन गौतम बुद्ध के शिष्य ने जाकर उसे पूछा, गौतम बुद्ध जी, आपको मुझ पर थोड़ा भी क्रोध नहीं आया? आप जिस पर्वत पर योग करते हैं, उसी पर्वत पर मैं योग कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें मेरे जैसा बनना है, पर अपनी खुद की कला प्रचार करना चाहिए। उसके शिष्य को ये बात समझ में आ गई। क्योंकि कष्टकाल वही एक बड़ा गुरु बना। कहने का मतलब ये है कि हमें ये कदम पहचान करना चाहिए। धन्यवाद।